गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी सुबह का दिन है, सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं एकदम से उठ गई हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। और अभी मैं एकदम बस बेड से उठी हूँ और मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ का मौसम कितना प्यारा हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। चलिए आइए, ये देखिए गाइस, पापा खड़े हुए हैं और मौसम देखिए कितना खराब हो रहा है। छह बज रहे हैं और ये देखिए हवा, देखिए आप पेड़ को देख के समझ सकते हैं हवा कितनी तेज है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। एक्चुअली इधर में कम बारिश होती है, कम, इतना ज्यादा मौसम खराब होता है तो इसलिए जब भी होता है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे इतना पुणे मुंबई साइड तो काफ़ी बारिश होती है, उधर तो बहुत ही ऐसा मौसम होता है, बट इस तरफ काफ़ी कम होता है इसलिए गर्मी होता है तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है। ये देखिए इधर खड़े हुए मम्मी पापा, सब मौसम का मजा ले रहे हैं। और ब्रूनो कहाँ गया? ब्रूनो, ब्रूनो आओ बाहर चलते हैं। ये देखिए कहाँ लुप्त हो गए मौसम की वजह से। ब्रूनो चलो बाहर आओ। ये देखिए ब्रूनो को, ब्रूनो वाह, ब्रूनो ब्रूनो कैसा लग रहा है ठंडा ठंडा? और आज गाइस 40-45 डेज का ब्रूनो हो गया है तो इसके वैक्सीनेशन लगने वाली है क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अभी डॉक्टर से बात की थी तो उसने बोला आज आप लगवा लो क्योंकि क्या है गर्मी होती है तो ज़्यादा इसको दिक्कत होगी और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज डॉक्टर को बुला के इसकी वैक्सीनेशन करा देते हैं, इसकी फर्स्ट वैक्सीनेशन करा देते हैं। तो अभी डॉक्टर आता है तो फिर आप लोग को दिखाते हैं कि इसकी वैक्सीनेशन होती है, फिर आप लोग को उससे मिलवाते हैं। चलिए अभी गाइस मम्मी गई है वैक्सीन लगवाने पापा के साथ और इसने उनको देख लिया बाय चांस, इसलिए वेट कर रहा है और अभी बहुत तेज से चिल्ला रहा था, खड़ा हो के बार बार दो अपने हाथ जाली पे रख के, गेट पे रख के खड़ा होके बार बार चिल्ला रहा था कि कहाँ गए कहाँ गए। अभी घुस गया ये, ब्रूनो बाहर आओ, ब्रूनो बाहर आओ बेटा, कम हियर, ब्रूनो बाहर आओ, क्या हो गया? अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में मम्मी, मेरी बेटी को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगी, कोई बात नहीं। और गाइस ये देखिए अभी ब्रूनो के वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर आ गए हैं, घर पे ही आए हैं वो लगाने के लिए। और ब्रूनो को हमने दे दिया है हाथ में एक बंदे के और अभी इसकी वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है। भैया इंजेक्शन रेडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको इंजेक्शन लगेगा और ये बेचारा ऐसे लटका हुआ है, बड़ा परेशान हो रहा था। और ये देखिए गाइस इसको वैक्सीन लग रही है, इसको बहुत दर्द हुआ वैक्सीन लगाने के बाद। मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था जब इसको वैक्सीन लगी थी ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत अजीब लग रहा था, बेचारा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसको, बहुत तेज चिल्लाया था ये। ये देखिए ब्रूनो डर के बैठा हुआ है, इसके इंजेक्शन लगाए तो ये डर गया है कहीं हम दोबारा से इसके इंजेक्शन ना लगवा दें बेचारा। ये रॉयल कैनन का स्टार्टर लेके आए हैं जिसको अभी खा रहा है, ये मदर एंड बेबी दोनों के लिए है। इसको इतना पसंद आता है कि वेट नहीं कर पाता, जैसे ही अगर इसको आवाज आ जाए अपनी चम्मच की और बर्तन की तो ये चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। हाँ गाइस तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और ब्रूनो को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है उसको, अपने आप को छूने भी नहीं दे रहा है। फिर उसको हमने थोड़ा खाना दिया ताकि उसका मन थोड़ा और हो जाए, उसको कुछ ट्रीट दी हमने थोड़ी क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हो रही है ना मम्मी, वो बहुत दुख रहा है, बहुत रो रहा है,
बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। उसको सुबह वैक्सीन लगी है तो बहुत दिक्कत दे रहा है। वैसे हमने डॉक्टर से बात किया था कि इसको दर्द तो नहीं होगा या फीवर तो नहीं आएगा, तो कोई आप टैबलेट दे दो, बट डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, बट उसको बहुत पेन हो रहा है, अपने आप को छूने भी नहीं दे रहा। थोड़ा सा मैं हल्का सा टच भी कर रही हूँ तो बहुत चिल्ला रहा है, बहुत रो रहा है, उसकी आंख से भी आंसू आ रहे हैं, बहुत परेशान है। बस सोया हुआ है आज सुबह से, हम उसको बिल्कुल छेड़ भी नहीं रहे हैं, बस खाना ही दे रहे हैं उसको और कुछ नहीं कर रहे हैं ना मम्मी। बहुत परेशान हो रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा है, बिल्कुल सब लोग परेशान हैं क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा, वरना सोता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर पे उठता है, आता है हमारे पास और फिर घूम घूम के चला जाता है। आज तो बिल्कुल जहाँ पे सो रहा है वहीं पे सो रहा है, उसको जाके खुद ही देखना पड़ रहा है क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा है। मैं आप लोग को चलिए दिखाती हूँ अभी कैसे सोया हुआ है वो। ये देखिए गाइस, बेचारा सोया हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है इसको, चुपचाप सो रहा है। ये देखिए गाइस, सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था और ये देखिए अभी दोपहर में थोड़ी धूप हो गई थी, शाम को देखिए मौसम कैसा हो गया। इतना ज़्यादा धूप स्टार्ट हो गई है कि क्या बताएं आपको, मौसम कहीं नहीं समझ में आता। वैसे ये ब्रूनो का टाइम है यहाँ पे घूमने का, बट उसको इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है ना कि उसको बिल्कुल उठा के भी नहीं ला सकते, छूने ही नहीं दे रहा, इसलिए मैं उसको बाहर घुमाने नहीं ला रही हूँ। वरना इस टाइम आता है यहाँ पे, खेलता रहता है, बहुत मस्ती करता है। मैं आप लोग को इसके बाद क्लिप ऐड करती हूँ उसकी। एक दिन मैंने उसकी शूट की थी, मैं उसको खिला रही थी, तो आज तो वहाँ नहीं रहा, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि वो दर्द में है ना, घर में कोई भी होता है तो तकलीफ़ होती ही है, आपको प्यार हो ही जाता है उससे, तो सब बहुत तकलीफ़ हो रही है उसको भी बेचारे को। उसको देख देख के हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है, उससे चला नहीं जा रहा, काफ़ी पेन हो रहा है उसको। पता नहीं, आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोग के पास पैट है तो, कि फर्स्ट इंजेक्शन लगता है, फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है तो इतनी तकलीफ होती है क्या। उसको तो बहुत तकलीफ हो रही है, रो रहा है बेचारा, उसको देख के हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। बस मैं चाहती हूँ वो जल्दी से सही हो जाए। बेड बना के दिया है डॉक्टर ने, फिर उसके बाद सेकेंड वैक्सीनेशन उसकी 7 जुलाई को होने वाली है, तो उसके बाद अभी तो देखते हैं पहले क्या होता है, फिर मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ उसका, वैक्सीनेशन कार्ड। ये देखिए गाइस, ये उसका कार्ड है, ये कार्ड बना के दिया है डॉक्टर ने, और उसके बाद ये देखिए अभी जो उसको वैक्सीनेशन लगी है वो ये दोनों वैक्सीन हैं ये, और उसके बाद अभी जो ये वैक्सीन लगने वाली है नेक्स्ट डेट 12 है जो उसको। तो आई होप कि उसको सेकेंड वैक्सीनेशन में उतना दर्द ना हो और अभी आज वो सही हो जाए, जल्दी से उसका दर्द ख़त्म हो जाए, आज ही होना चाहिए, कल नहीं होना चाहिए। सुबह उठे तो अच्छे से उठे, क्योंकि उसको भी दर्द उधर तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, बोलता नहीं है, चुपचाप पड़ा रहता है। तो ये गाइस, हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा बाहर निकल के इवनिंग वॉक कर रहे हैं क्योंकि मौसम काफ़ी सही हो रहा था आज, तो इसलिए सोचा थोड़ा बाहर निकल के इवनिंग वॉक कर लेते हैं। और जैसे कि आज सैटरडे है तो मम्मी के सीरियल नहीं आ रहे हैं, इसलिए मम्मी आज इवनिंग वॉक पे है, वरना मम्मी बाहर नहीं निकलती है, सीरियल ही देखती रहती है, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा आज वॉक कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो कहाँ ही निकलना होता है क्योंकि मौसम, धूप इतनी तेज़ रहती है, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आज सुबह से थोड़ा मौसम अच्छा था, बारिश हो रही थी, इसलिए अच्छा लग रहा है मौसम। पहले मैं बारिश की आकर किसी, पता है जब मैं बचपन में, जब मैं छोटी थी ना, तो ऐसे घर किसी के घर बना करते थे तो मैं बजरियों पे जाके ऐसे खड़ी हो जाते थे और हम लोग इनमें से पत्थर ढूंढते थे, वाइट कलर के कलरफुल, सोचते थे इसमें कोई तो कलरफुल पत्थर मिल जाएगा। कहीं भी जाते थे पानी में, हम सोचते थे कि ये जो बजरी आई हुई है, इसको आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, मैं तो बजरी बोलती हूँ, तो इसमें से सोचते थे जहाँ से भी ये आई हुई है वहाँ पे कुछ कलरफुल पत्थर मिल जाएंगे, हमें कुछ तो मिलेगा, हम ढूंढेंगे। तो मैं बचपन में ऐसे करती थी, बहुत मज़ा आता था। ये देखिए गाइस, कितने प्यारे येलो कलर के फूल खिल रहे हैं और बहुत सुंदर फूल लग रहे हैं, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नई वीडियो नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, टेक केयर, लव यू, बाय।